झारखंड के चाईबासा में आईईडी धमाके में मध्य प्रदेश के रीवा का जवान बुरी तरह से घायल हो गया। सीआरपीएफ 197 बटालियन के सहायक कमांडेंट सीपी तिवारी 24 जुलाई की सुबह लगभग 7:30 बजे सर्च ऑपरेशन के दौरान भाकपा माओवादियों द्वारा लगाए गए 10-10 किलो के शक्तिशाली आईईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके गाल को स्प्लिंटर चीरते हुए पार हो गई। उनका इलाज रांची के मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। अब वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि तुम्हाका जंगल क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद तय एसओपी का पालन करते हुए सहायक कमांडेंट सीपी तिवारी अपने जवानों के साथ सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। जवान चंद्रप्रकाश मध्य प्रदेश की रीवा जिले के रहने वाले हैं। उनके गांव के लोगों का कहना है कि बचपन में चंद्रप्रकाश तिवारी खेलकूद में काफी अव्वल थे और खेलों की ही माध्यम से आज वो कमांडेंट के पद पर पदस्थ हैं। हमारे भाई हैं और जानकारी मीडिया की तरफ से आज मिली सुबह और इसके बाद मोबाइल में उनका फोटो वोटो देखे तब मुझे संतोष हुआ कि हाँ ठीक है, बच गए हैं। नहीं तो पहले तो जानकारी मिली कि बहुत ज़्यादा चोट लगी, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिर पता लगा कि उनको रांची अस्पताल में ले आए और वहाँ पर इलाज चल रहा है। अब जो है तो ठीक है और भगवान की कृपा से बच गए हैं। तो आप लोगों को कैसे मतलब सूचना मिली और क्या उनसे उनके बात हुई? उनसे बात तो मेरी नहीं हुई और फोटो में मैंने देखा तो मोबाइल से तो चोट लगी है, गाल में ज़्यादा लगी है और झटका लगा है और अभी अस्पताल में है और सोमवार की घटना है। लेकिन मेरे हम लोगों को मिली नहीं, पहले से कोई जानकारी नहीं मिली, फ़ोन से कोई संपर्क नहीं हुआ। तो अभी उनके पास कौन होंगे? अभी उनके पास घर के तो लोग कोई नहीं है, वहाँ नहीं जाने दिए हैं। उनके पास वही जो उनके डिपार्ट के लोग हैं, जो डिपार्टमेंटल उनका इलाज चल रहा है। हाँ, इलाज चल रहा है और उनके एक बालक है वो भोपाल में है, पिताजी उनके भोपाल में है, बाल बच्चे सब भोपाल में रहते हैं। यहाँ घर में हम बड़े भाई हैं, हम उनके बड़े पिताजी के लड़के हैं, हम भर यहाँ पर रहते हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। वही जब पंजाब केसरी के संवाददाता सुभाष मिश्रा ने खुद सीपी जोशी से बात की तो उन्होंने इस घटना की आंखों देखी बात बताई। मैं कमांडेंट हूँ। कमांडेंट, कैसे घटना हुई थी थोड़ी इसके बारे में मुझे जानकारी बता दीजिए। जी, जिस दिन आप लोग वहाँ से कहीं जा रहे थे? मैं अभी आज हम लोग यहाँ एक तुम्बाहा का जगह है चाईबासा के पास जी, तो वहाँ नक्सलियों का पूरा गढ़ है तुम्बाहा का में, उनका मैंने 94 में पूरा एक पीछे का उनको उससे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी चाईबासा का, तो कौन कौन ग्रुप का। तो हम ऑलरेडी उनके ठिकानों को ध्वस्त कर चुके हैं। मैं जनवरी से इसमें काम कर रहा हूँ, घुस के अंदर पूरी टीम लेके अपनी जी, दो कंपनियां मेरे अंडर में काम कर रही हैं, दोनों कंपनी का मैं को कमांड करके उनको लेके अंदर मैंने काम कर रहा हूँ। ग्रामीणों से मेरा बहुत अच्छा एक व्यवहार, उनके लिए मैं हमेशा काम करता हूँ, उसकी फोटो भी भेजूंगा आपको जी। तो चूंकि ग्रामीण को हम अपने फेवर में लेते हैं, उनको ये भाई उनको इस चीज को जो नक्सली है उनको इस चीज को भाया नहीं, तो उन्होंने मुझे ही टारगेट किया, मैंने उसमें जो कि इस अधिकारी को ही वो किया जाए यहाँ से। हाँ, तो फिर हालांकि जो हमारी हमारे जवान थे उन्होंने जैसे हमारे पीआईडी किया वो किया, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई जवाबी कार्रवाई में करीब 100 से 200 राउंड फायर किए और उनको पीछे हटके अपना वो गए। फिर हमें वहां जब जो हमारे जो पीछे हमारे प्रोटेक्शन वाले जवान थे वो मेरे को देखे, उनको थोड़ा सा हमने संतुलन दिया, कोई बात नहीं, मेरे कोई चोट नहीं आई, तुम अपना ख्याल रखो जी। फिर वो हमें उठा के ले गए और वहां फिर तुरंत मैंने हेडक्वार्टर को सूचना दी, हेडक्वार्टर ने तुरंत आईजी सेक्टर को दिया और यहाँ से हेलीकॉप्टर रांची से गया। यहाँ एक भगवान सिंह एक यहाँ का जो भगवान महावीर मेडिकल ये हॉस्पिटल है जी, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जी, उसमें मुझे जो ये हमारे डॉक्टर जो है हमें पूरा देख रेख कर रहे हैं, इनका नाम है प्रिंस कुमार गुप्ता, प्रिंस कुमार गुप्ता, इनकी टीम मुझे पूरी देख रेख कर रही है।
और बेहतर इलाज चल रहा है कोई अभी मैंने सबका। तो तिवारी जी ये बताइए कि मतलब कि कितने जवान मतलब कितने कैजुअलिटी में घायल हुए हैं और कितने नक्सलियों को कुछ है नहीं, और सब जवान सुरक्षित हैं, सिर्फ मुझे ही लक्षित किया गया था। जी। और वहां नक्सलियों को कितना मतलब है वो कितने घायल हुए कुछ पकड़े गए या तो कुछ नहीं उनको, है? क्योंकि वो जल्दी निकल जाते हैं, चूंकि आईडी उनको उन्होंने पहले से ही उन्होंने आईडी का वो अपना बना रखा था कि मैंने जब ट्रुप्स निकलेगा पार्टी निकलेगी तो जगह जगह फिट करके रखते हैं। जी तो हमारे ट्रुप्स को मैंने इसको बाज कर रहे थे, जी और फिर वो तो चूंकि मेरी वहां लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी तो उनको ये लगा कि ये आदमी सक्सेस हो जाएगा और हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी। तो नक्सलियों का टारगेट केवल आप ही थे मुख्य तरह से? जी हाँ, चूंकि मैं कमांडर था, अधिकारी था, तो उनका इसमें काफी नाम होता है, तो फिर अधिकारी को ही ज्यादातर उन्हें चिन्हित करते हैं, लक्षित करते हैं। तो कितने दिनों से आप मतलब वहां पर मतलब ये सब कार्रवाइयां चल रही थी मैं मतलब ये आप? करीब जनवरी से, मैं इस ये टीम मेरी घुसी है और जनवरी से ही काम कर रही है। मेरे साथ यहाँ की जगवार पुलिस है, जी यहाँ की भी आर्मर्ड पुलिस है, जो जगवार पुलिस है, जे, और कोबरा कोबरा भी घुसी है अंदर। जी जी हाँ ठीक है तिवारी जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। जी जी, ठीक मैं भेजता हूँ आपको वीडियो में, सही है ना? जी पूरा आप क्या नाम लिखते हैं अपना? सुभाष मिश्रा, सुभाष मिश्रा। हाँ मैं ग्राम पूरा पोस्ट, ग्राम पोस्ट ओझापुरवा। जी, मैं समझ गया जी 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 नहीं, आपके एकाध दो वीडियो मैंने देखा था, तो मैं कल नहीं फोन आप, किया मैं क्या था ना एक्चुअली मैं, आप फेसबुक से तो जुड़े हैं मेरे, जी। तो मुझे ये जब जिस दिन आपने भेजा तो मैं जो नाम था वो नाम से मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मुझे। जी अच्छा, और उसमें एसीपी लिखा है, अब मैं समझ नहीं पाया तो मैंने सोचा कोई होंगे ऐसे ही। वो जब मैंने आपकी फोटो देखी, इसके बाद जो आपने वो डाले थे कवर डाली थी वहां की जो खबरें डाली थी, जी उसको भी तुरंत देख के मैं एक्टिव हो गया। तो मुझे भी मेरे साथियों ने फोन किया, तो फिर मैं यहाँ गांव आया, मैंने सोचा कि उनसे मुलाकात हो जाएगी पिताजी से, तो पिताजी अभी पिताजी मेरे भोपाल ख्याल से में भोपाल हैं, चले गए थे। कभी जी भोपाल आते हैं तो आइए भैया, कभी कोई दिक्कत बिल्कुल भोपाल में हमारे को। नहीं, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए हमको बस, हाँ और आप सुरक्षित रहें, हमारे लिए यही कामना करेंगे हम भोलेनाथ से कि आप सुरक्षित रहें। जी नहीं, सब आप लोगों का ही स्नेह है, प्यार है। जी मैं भेजता हूँ इसमें वीडियो, है ना पूरी? जी जी ओके ओके थैंक्स। बता दें कि सहायक कमांडेंट सीपी तिवारी जितने बहादुर और अपने काम के प्रति ईमानदार और वफादार हैं, उससे कहीं ज्यादा वे मानव प्रेमी, सहयोगी, गरीबों के मददगार और मसीहा हैं। कई मौकों पर वे बच्चों को जरूरी सामान बांटते हुए नजर आए, तो कभी वे उन बच्चों के साथ खेलते नजर आए। फिलहाल टीपी तिवारी खतरे से बाहर हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रीवा से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।